हाय एवरीवन, मेरा नाम नेहा है और मैं एसोट में एज ए सेलर पार्टनर वर्क करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जब मैंने एसोट में स्टार्टअप किया था, जो वर्डिंग उस टाइम पे थी आज भी वही वर्डिंग है। देखा जाए तो उस वर्डिंग में कोई भी चेंज नहीं आया। लोग बोलते थे ऐसी कंपनीज हैं, आती हैं बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चलती, इसमें पैसा फंस जाता है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। आज भी ऐसा बोला जाता है। जो मैंने देखा है, जब हमें नीड होती है तब हेल्प करने के लिए लोग आगे नहीं आते, और जब हम कुछ करना चाहते हैं तब लैग पुलिंग के ज़रिए निकलकर बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। आपकी लाइफ को कोई आपके बिना सही नहीं कर सकता, इसलिए आपको क्या करना है ये आप खुद डिसाइड करें, ना कि लोग। सेकेंड चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है, सेलिंग प्रोफेशन में बोला जाता है कि वुमेन नहीं कर सकती। कैसे सेलिंग करेंगी, कैसे नेटवर्क बिल्ड करेंगी, कैसे लोगों से डील करेंगी। अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जो अलग अलग कंपनी में बड़ी बड़ी पोजीशन में बैठी हुई हैं। बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जो कंपनी की CEO हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जो 6-7-8 फिगर तक भी अर्न कर रही हैं। अगर हम देखते हैं तो एसोट में भी बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जो 6 फिगर तक अर्न कर रही हैं। जब मैंने एसोट में एसोसिएट होना था, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सब मैंने फेस की हैं। ऐसा नहीं कि ये बातें आज भी बंद हो गई हैं। आज भी लोग आ रहे हैं, कमा रहे हैं, कमियां और गलतियां आज भी निकाल रहे हैं। ये मेरा मैसेज उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। इसलिए जो आपको पसंद है आप उस पर फोकस कीजिए, ना कि इस पर कि लोग क्या बोलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।